एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में देश का बजट पेश करेंगी। पूरे देश के साथ राजस्थान वासियों की निगाहें भी इस बार बजट पर टिकी हुई हैं। खासतौर से उद्योग और व्यापार से जुड़े लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह बजट और भी महत्वपूर्ण है। इसको लेकर फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से खास बातचीत की एवन टीवी संवाददाता बीके शर्मा ने। पांच राज्यों में चुनाव और कोरोना की महामारी के बीच में खास इन परिस्थितियों में यह बजट भी खास रहने वाला है। क्या होगा इस बजट में, क्या है उम्मीदें देश और प्रदेश के लोगों की, हम बात करेंगे यहाँ 40 का पूरा एक डेलीगेशन में है और इसमें अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, इनसे जानेंगे कि क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि बजट तो सब तैयार हो चुका है लेकिन इस बजट में बहुत सारी उम्मीदें संजोई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ऑटोमोबाइल सेक्टर की शुरुआत करेंगे, आप बताइए सर क्या होनी चाहिए इस बार, क्योंकि आपका बहुत बड़ा एक विशाल सेक्टर है और काफ़ी सारी उम्मीदें हैं आपकी। ऑटोमोबाइल ट्रेड आज हमारे देश का और सभी प्रदेशों का सबसे बड़ा ट्रेड है, जिससे गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा इनकम होती है। लेकिन पिछले ऑटोमोबाइल ट्रेड डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ है। पिछले दो साल में इस कोरोना की महामारी में डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट लाइन में डीजल पेट्रोल के कारण तो बहुत ही ज़्यादा त्रस्त है, गाड़ियाँ चलानी मुश्किल हो रही है। लेकिन पिछले दो सालों में गवर्नमेंट ने डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट लाइन में कोई भी किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी है, जिसमें हमारी खड़ी खड़ी गाड़ियों में टैक्स भी भरना पड़ रहा है, खड़ी खड़ी गाड़ियों में इंश्योरेंस के पैसे भी लगे, खड़ी गाड़ियों में हमारे को कर्मचारियों को ड्राइवरों को पैसा भी देना पड़ा। बहुत ही मुश्किल काम हो रहा है गवर्नमेंट को, स्पेशल गवर्नमेंट से गवर्नमेंट को कोई स्पेशल एकदम ट्रांसपोर्ट लाइन में डायरेक्ट कोई छूट देनी चाहिए, जिसमें 6 महीने की कम से कम ब्याज की भी छूट मिले गाड़ियों के लोन पर और 6 महीने का टैक्स भी माफ़ किया जाए, लोन में छूट मिले। क्या होना चाहिए गिरधारी जी इस बार बजट में? सर व्यापारी बहुत उम्मीद से बजट कल सुनेगा और उसको उम्मीद भी है कि इसमें बहुत घोषणाएं होंगी। इसमें इनकम टैक्स की छूट सीमा भी बढ़नी चाहिए और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है लोकल टू वोकल, उसमें पलायन रोकने के लिए गांव में छोटी छोटी स्कीमें उनको लानी चाहिए। सोमानी जी आप एमएसएमई से जुड़े हुए हैं, सोप इंडस्ट्री को आप रिप्रेजेंट करते हैं, कैसा होना चाहिए बजट, आप तो सरकार से सीधे भी संवाद करते हैं। देखिए हमारा ये इसमें हमने पहले भी हमारी 40 से मांग रही है कि जिस प्रकार एमएसएमई में पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप सबसे ज़्यादा है तो उनके ऊपर 15% की दर से ही टैक्स होना चाहिए, क्योंकि आज नई कंपनीज पे भी टैक्स की दर कम है, प्लस नई कंपनीज की फॉर्मेलिटी भी ज़्यादा है, एमएसएमई कर नहीं पाती है। इसके अलावा एटीसी एटीडी में जो छूट के प्रावधान है वो पहले के हिसाब से बनाए हुए हैं, जबकि उसके बाद आज एक बहुत लंबा समय और बहुत मनी इन्फ्लेशन हो गया है तो उसमें भी एक आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। और जो इनकम टैक्स की दर है जिसपे सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख 40 लाख रुपए लिमिट है, वो 50 लाख रुपए नॉन लाइसेंसर के लिए होनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री जो है और सर्विस सेक्टर दोनों एक ही है, दोनों पे लगभग 18% की टैक्स से ही दर होता है। सुनीता जी आप स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं, लेकिन स्टार्टअप स्किल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम यह है कि इन्वेस्टर्स नहीं मिलते अच्छे आइडियाज़ को भी, और सरकार ने कोशिश काफ़ी की है, क्या होना चाहिए इसमें, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ ये इशू है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के अगर हम समय में देखें तो बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम बात करें उनके पास बहुत आइडियाज़ हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जो फंडिंग है या इंक्लूडिंग जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं सभी को जो भी लोन्स उनको उपलब्ध करवाने हैं उनके लिए कोई ना कोई कोलैटरल रखना पड़ता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि एक 5 लाख मिनिमम एटलीस्ट 5 से 10 लाख तक के कोलैटरल फ्री लोन्स जो हैं वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए दिए जाने चाहिए, और कोविड के दौरान जो बिजनेस लॉसेस हुए हैं उनके अंदर में जो लोन्स हैं उनके रीपेमेंट्स को रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए, या अगर वेव ऑफ कर सकें तो और भी बढ़िया होगा टू अ सर्टन लिमिट। तो इससे ये होगा कि उनके हाथ में पैसा होगा और इवेंचुअली वो अपने बिजनेस या अपनी फैमिली, बच्चों या फैमिली की हेल्थ के ऊपर ही ये खर्चा करेंगे। तो आई थिंक जितना पैसा या जितना टैक्स पर्सनल जो इनकम टैक्स लिमिट है जैसे अगर वो भी बढ़ा दी जाए और एक महिला के हाथ में जो पैसे आएंगे वो इवेंचुअली खर्चा इकोनॉमी को बूस्ट करने में ही हेल्प करता है, क्योंकि वो जो है वो या अगर अपने बिजनेस पे करेंगे खर्चा या फिर अपने फैमिली के लिए। तो सरकार से अपेक्षा है कि विमेन ओरिएंटेड जो ये सारी स्कीम्स जो डायरेक्टली उन तक पहुँच पाए,
क्योंकि अभी भी बहुत सारी स्कीम्स हैं लेकिन वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में घूमती रहती हैं। तो और बहुत छोटा सा, जैसे अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल गेन टैक्स उन पर इंट्रोड्यूस कर ही दिया गया, अगर आप वुमेन इन्वेस्टर्स को उसके अंदर में भी थोड़ा सा बेनिफिट देंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो वुमेन के नाम पे शिफ्ट हो जाएगा, विच अगेन उनके हाथों में पैसा आ सकता है जो उनको एम्पावर करेगा। नेहा जी, आप दो बहुत बड़े सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रियल एस्टेट और मेडिकल, और ये माना जा रहा है कि ये बजट मेडिकल ओरिएंटेड हो सकता है, क्या उम्मीदें हैं? मेडिकल टूरिज्म जो है वो एक बहुत बड़ा इस इंडस्ट्री को चलाने का एक जरिया बन गया है। एक तो एम्पैनलमेंट्स थे, जो TPA है, पिछले 5-6 सालों में हर कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है, उससे वो बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाने लग गया है, दैट इज़ अ गुड थिंग। और साथ में ये जो मेडिकल टूरिज्म है ये अगर बढ़ेगा तो हम ये जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिसमें अच्छी मेडिकल फैसिलिटी होती है वो भी प्रोवाइड की जा सकती है। तो ऑफकोर्स, लेकिन हेल्थ सेक्टर फिर भी बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सेक्टर है, बहुत ही फॉर्मुलेटेड सेक्टर है, जो भी उसके NABH हैं, जो भी उसके अप्रूवल्स हैं वो इतने ज़्यादा क्लियर हैं, उसके SOPs इतनी ज़्यादा क्लियर है कि वहाँ पर स्कोप बहुत क्लियर स्कोप्स होते हैं। लेकिन वहीं हम अगर व्यवसाय दूसरे इंडस्ट्रीज़ की बात करें, चाहे हम रियल एस्टेट की भी बात करें, वहाँ के SOPs क्लियर नहीं हैं, वहाँ पर बहुत सारे GST और पहले तो रेगुलेशन नहीं थे, RERA के आने से कम वो रेगुलराइज हुए हैं। सुरेश जी, हम हैवी इंडस्ट्री की बात करें, लेकिन राजस्थान जैसे जो प्रदेश हैं वो MSME पर डिपेंड करते हैं और MSME की बहुत सारी चुनौतियां हैं। इस बजट में आप क्या मानते हैं कि सरकार स्पेशली MSME के लिए कुछ करेगी? बिल्कुल 100% करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना की वजह से सरकार ने लोन और अपनी तरफ से जो 30 लाख करोड़ रुपए बाजार में दिया था उसका इम्पैक्ट 2 साल के लिए ठीक रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक रहा है। बट अब उसके बाद पिछले साल से नवंबर से गवर्नमेंट ने जो 5% इंटरेस्ट पे जो सब्सिडी दे रहे थे वो बंद कर दिए, तो हमारी उम्मीद ये है कि सरकार इंटरेस्ट पे वापस सब्सिडी कम से कम 1 साल के लिए दोबारा से बढ़ाए ताकि ये जो तीसरी लहर आई है या मार्केट जो अभी भी मंदी के दौर में है उसको बूस्टअप मिल सके और बूस्टअप मिलके व्यापारी उद्योगपति अपने पाँव पर खड़ा होकर आगे चल पाए। अरुण जी, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, ये बजट जो आ रहा है 2 साल लगातार कोरोना की मार सबसे ज़्यादा व्यापार उद्योग पर पड़ी है, ऐसे में हमको पूरी उम्मीद है कि जो कल केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी उसमें व्यापार उद्योग जगत को वास्तव में पटरी पर लाने, क्योंकि MSME सेक्टर को विशेष ध्यान देगी, MSME सेक्टर ही GDP का 40% डिसाइड करता है। ऐसे में कई सेंट्रल की पॉलिसी आती है वो धरातल पर नहीं आते, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को नोडल अफसर डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाकर और सारी पॉलिसियों के यदि काम में आ जाए। दूसरी बात मैं कहना, जो इस तरह इनकम टैक्स में और एक्साइज में सीमा विवाद जो समाधान आया है स्कीम, वो अभी तक कस्टम में सीमा शुल्क में नहीं आया, तो ऐसे में हम आशा करते हैं कि सीमा शुल्क में भी ऐसी स्कीम आएगी जिससे ये पेंडिंग मामले निश्चित रूप से सॉल्व होंगे। मनीचंद जी, बहुत बड़े आप ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं, एग्रीकल्चर ट्रेड इंडस्ट्री, और सरकार का फोकस भी ये एरिया है, क्या उम्मीद करते हैं आप? हमने अभी मांग की थी कि यदि आप किसानों की आय दुगुनी करना चाहते हैं तो उनके सिंचाई उपकरण हैं जो उनके डेली यूज में आते हैं, तो उस सिंचाई उपकरणों पर टैक्स क्यों नहीं उस पर 5% किया जाए, क्योंकि वेट के अंदर पहले इस पर टैक्स 5% था, अभी 18% है। दूसरी हमने मांग की थी इसके वाइंडिंग वायर, इनके वाटर पंपिंग सेट जब जल जाता है तो वाइंडिंग वायर इसमें लगता है और काफ़ी तादाद में लगता है, 800 रुपये किलो की चीज़ है, 1000 टन पर डे की खपत है इंडिया में, तो हमने कहा इस पर 150 रुपये तो सिर्फ टैक्स ही टैक्स बन जाता है, क्यों नहीं आप इस पर टैक्स 5% कर देते हैं ताकि इसका वाइंडिंग का जो खर्चा है किसान को सस्ता पड़े। तो इन विशेष परिस्थितियों में बहुत सारी उम्मीदें हैं पूरे देश और या प्रदेश की जनता की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, इस बजट में ये उम्मीदें पूरी करनी है और इसलिए भी लोगों को ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि ये चुनावी बजट माना जा रहा है। कैमरामैन दिलीप परमार के साथ BK शर्मा, A1 TV, जयपुर।